10.4.5 ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। क्रियाकलाप सात। पार्सिलिन प्याली में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे चित्र के अनुसार गर्म कीजिए। आपने क्या देखा? कॉपर चूर्ण की सतह पर काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना? यह कॉपर ऑक्साइड है जो कॉपर और ऑक्सीजन की क्रिया से बना है। ट्वाइस Cu प्लस O2 इज इक्वल टू ट्वाइस CuO। समीकरण 26। यदि इस गर्म पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन खो देता है और फिर कॉपर प्राप्त हो जाता है। CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O। समीकरण 27। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तब उसका ऑक्सीकरण होता है, तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसका अपचयन होता है। अभिक्रिया 27 में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसलिए कॉपर ऑक्साइड अपचयित हुआ है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीकृत हो रहा है, अर्थात इस अभिक्रिया में एक अभिकारक ऑक्सीकृत तथा दूसरा अपचयित होता है। इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O। यहाँ H2 का H2O में ऑक्सीकरण होता है और CuO का Cu में अपचयन होता है। आइए अब हम ऑक्सीकरण और अपचयन को समझने के लिए एक क्रियाकलाप करें। इसके लिए हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी। ये सामग्री है पोर्सलिन की प्याली यानी कि पोर्सलिन की डिश, कॉपर का चूर्ण, बर्नर, त्रिपाद स्टैंड और तार की जाली। चलिए क्रियाकलाप शुरू करते हैं। सबसे पहले पोर्सलिन की प्याली में थोड़ा सा कॉपर का चूर्ण लेकर गर्म करें। अब इसमें होने वाले परिवर्तन का अवलोकन करें। देखा आपने, कॉपर के चूर्ण की सतह काली हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हवा की ऑक्सीजन कॉपर से संयोग करती है और बनता है कॉपर ऑक्साइड यानी कि Cu प्लस O2 मिलकर बनाते हैं CuO। अब यदि गर्म कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन प्रवाहित करें तो क्या होगा? आइए देखते हैं। कॉपर पर जमी काले रंग की परत का रंग बदल जाता है और यह भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन की क्रिया से कॉपर पुनः प्राप्त हो जाता है। CuO प्लस H2O मिलकर बनाते हैं Cu प्लस H2O। आइए अब आगे समझें। यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो वह ऑक्सीकृत होता है। इसके विपरीत यदि पदार्थ ऑक्सीजन का त्याग करता है तो वह अपचयित होता है। इस अभिक्रिया में आपने देखा कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन का त्याग करता है, इसलिए यह अपचयित होता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ग्रहण करती है इसलिए वह ऑक्सीकृत होती है। यानी कि यहाँ एक अभिकारक ऑक्सीकृत होता है तो दूसरा अपचयित होता है, इसलिए यह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है।